इसी परिप्रेक्ष्य में एक अवतार की श्रृंखला और आती है जिसे बामन भगवान का अवतार कहते हैं। अदिति ने तपस्या की, जब अदिति ने तपस्या की पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि उस समय दानव बलिष्ठ हो चुके थे तो उस समय अदिति ने अपने पुत्रों के खोए हुए राज्य के लिए तपस्या की। भगवान ने आकर के और दर्शन दिए। भगवान ने कहा, क्या चाहती हो दीदी? कहा, पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं जो हमारे पुत्रों का खोया हुआ राज्य वापस करा दे। हे यज्ञेश यज्ञ प्रसाद कहो तीर्थ पाद तीर्थ बाह श्रवण मंगलम। हे श्रवणों को मंगल देने वाले हे मेरे परम परमात्मा, आप मेरे पुत्र के रूप में आ जाइएगा जिससे मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। और समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान बामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए बामन भगवान की जय हो। अदिति ने बहुत प्रार्थना की, नमो नमः कारण कारुणाय विश्व आत्मने विश्व सृजाय भवाय अनंत रूपाय नमो नमस्ते त्वनंत धामने परमात्मरूपे। इस प्रकार से बहुत सुंदर स्तुति की। बामन भगवान से कहा बेटा, अपने बड़े भाई के राज्य को वापस लाइए। उस समय बामन भगवान ने गुरु बृहस्पति से दीक्षा ली। गुरु जी ने कहा, जब मुझसे दीक्षा ली है तो कुछ दक्षिणा भी दीजिए। क्या चाहते हैं महाराज? कहा, राजा बलि बुंदेलखंड में यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि बुंदेलखंड में यज्ञ कर रहे हैं और वहां जाकर के आप उनसे दक्षिणा लाइएगा जिससे हमारे यजमान इंद्र अपने संपत्ति को अपने राज्य को प्राप्त कर सके। बामन भगवान चले, मानव नहीं देखा है, इंद्र आगे आगे हो गए और नर्मदा के किनारे वो यज्ञ हो रहा बुंदेलखंड है। नर्मदा के किनारे यज्ञ में बामन भगवान जब पहुंचे, तो देखा राजा बलि ने विचार किया कि ऐसे लग रहा है जैसे आज सूर्य उदय होकर के पृथ्वी पर अपनी देह सदेह धारण करके और मेरे यज्ञ में आ रहे हैं। राजा बलि के यज्ञ में जिस समय पहुंचे बामन भगवान, स्वागत सत्कार हुआ। स्वागतम ते नमस्तभ्यं ब्रह्मन किं करवान ते ब्रह्म ऋषि नाम कपाह साक्षत मन्ये त्वार बभूः। आइए महाराज, स्वागत है महाराज, कुछ दान दक्षिणा ले लीजिएगा। कहा, राजन अगर देना चाहते हो तो बस तीन पद पृथ्वी दे दीजिएगा। क्या करोगे? छोटी सी कुटी बना लेंगे और उसमें भगवान का भजन करेंगे। तीन पद भूमि लेकर के क्या करोगे? हम आपको चाहते हो तो तमाम ग्राम दे सकते हैं। लेकिन बामन भगवान ने कहा, नहीं राजन, हमको बस केवल में केवल तीन पद भूमि चाहिए। और राजा बलि ने कह दिया, ठीक है महाराज, तीन पग भूमि देने के लिए हम तैयार हैं। शुक्राचार्य जी ने वहां पर मना किया और जैसे ही संकल्प लेने की बारी आई तो शुक्राचार्य जी ने प्रक्षण भी किया था जिससे उनकी एक नेत्र उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया था। यह कथा भागवत में तो नहीं आती है लेकिन अन्य पुराण की कथा है किसी की। और भगवान ने संकल्प लेकर कि जो ही पृथ्वी को नापा तो दो पग में ही 14 भुवनों को नाप लिया और तीसरे पग के लिए जब कोई खाली जगह नहीं बची तो राजा बलि को बंदी बना लिया। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आई, बोली, महाराज आपने मेरे पति को बंदी बना लिया। कहा, हाँ क्यों? कहा, इन्होंने अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया। विंध्यावली बड़ी चतुर थी, कभी कभी देवियां बहुत चतुर होती हैं। और कहा
प्रभु आप छोटे से बन करके आए थे, बड़े बन गए और आपने पृथ्वी को नापा लेकिन नाप नहीं पाया आपने। तो आपको तो भगवान भक्ति भाव को हो हे भगवान, भगवान भक्त भाव को हो तुम भाव भी न पाए हो। आप जानना तो बहुत दूर रहा, आपने भाव भी न पाए। भगवान भक्त भाव को तुम भाव भी न पाए, तुम्हें नाप ना आया, तुम नाप भी न पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बावन भगवान की जय। विंध्यावल के कहा महाराज, भगवान भक्ति भाव को तुम भाप भी ना पाए, तुम्हें नाप ना ना आए, इसलिए तुम्हें नाप ना ना आया, इसलिए तुम नाप भी ना पाए। तो कहा देवी कैसे नापे? कहा महाराज ये बताइए कि धन बड़ा होता है, धन वाला बड़ा होता है, उसका धन का मालिक बड़ा होता है। कहा धन का मालिक बड़ा होता है। तो कहा महाराज एक काम करिएगा, एक पैर मेरे सर पर रखिएगा, एक पैर मेरे पुत्र के सर पर रखिएगा, दो हो जाएंगे, एक पैर मेरे पति के सर पर रखिएगा, तीन पैर हो जाएंगे आपके, आपके मेरे पति की प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी, आपकी दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। ऐसा ही किया गया।